स्टार्टअप लोन्स तो वेस्ट में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट वहाँ पे ग्रांट्स होते हैं और वहाँ पे टैक्स, लेकिन इंग्लैंड में देर इज़ अ बिग टैक्स ब्रेक। अगर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा टैक्स ब्रेक मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। दैट इज़ इन ऑर्डर टू फ्लरिश, मेक ऑन्टरप्रीनियोरशिप फ्लरिश, राइट। पाकिस्तान का जो जब ये स्टार्टअप शुरू हुए थे ना जी, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ स्टार्टअप्स का, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप्स के अंदर। My experience has not been good, but that's a different matter. But what was my reasoning for doing it? My reasoning for doing it was that मेरा अपना ख्याल है कि जो भी हमारे social problems हैं ना, poverty, extremism, generally लोग, people are a bit disgruntled, unhappy. Entrepreneurship is a big way of fixing these things. Entrepreneurship को फ़रोग देना एक बहुत important चीज़ है इस मुल्क में। इतनी बड़ी आबादी है, जब तक आप लोगों को ये एबिलिटी नहीं देंगे कि वो ना सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बट उन ख्वाब उनको फुलफिल भी कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा। अभी जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में 7-8 दफ़ा तो एमनेस्टी स्कीम आई एंड एवरीवन वाज बेसिकली ट्राइंग कि भाई आप जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, प्रॉपर्टी ले लो, एंड एक फोर्सफुली ना एक बबल सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड और पीपल इन्वेस्टेड और सारा वाइट ब्लैक का मनी वाइट किया। बट हाउ अबाउट के यार स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दो। सो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, हमारे मेरा ख्याल है जो हम घरों में जहाँ पे हम रहते हैं, एक दो अदरवाइज प्लॉट होंगे हमारे और जो हमारी बिजनेसेस के इर्द गिर्द ज़मीन हम लेते हैं बिकॉज फॉर एक्सपेंशन, हम कोई हमारी लैंड में इन्वेस्टमेंट जीरो है। We don't invest in it. And how do you see land investment? It's a great investment, but I don't invest in it because it doesn't excite me. मैं मेरा मुझे कोई शौक नहीं है मैं जाऊँ किसी गांव में एक ज़मीन खरीदूँ और फिर एक सोसाइटी बना के उसको प्लॉट बना के बेच। I mean, it's such a boring thing to do. It makes a lot of money. I'm sure people have made billions of dollars doing it. But from the economy perspective as well, कि एक बंदा जिस तरह फ्रीलांसर है, बैठा हुआ है, करोड़ रुपया बन गया है, अब करोड़ रुपया बनने का ऑब्वियसली जैसे मेपल लीफ इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट, ग्रोइंग माइंड सेट, KT कोइनूर टेक्सटाइल इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट, उसका पाकिस्तान में ये माइंडसेट है ही नहीं कि मैं बिलीव में इन्वेस्ट करना है क्योंकि वो कोई काम करिए प्रोडक्टिव। मैं क्या करता है, वो जाके प्लॉट ले लेता है, बिल्कुल ये सारा कैपिटल को रिजर्व कर। मैं इसी बात पे आ रहा था, मैंने ना 2016 में आई हैव बीन आफ्टर दिस होल टेक सेक्टर और मेरा ख्याल है कि मेरा भी छोटा सा एक रोल रहा है इस सेक्टर को फ़रोग देने में, कोई 0.1% मेरा भी इसमें शेयर होगा। बट मैं 2016 में ना आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी अच्छी बिजनेसेस थी, यू नो 8-10 million dollars की सेल थी, $1-2 million का प्रॉफिट करते थे। तो आई सेड यार इसको व्हाई डोंट यू टेक मनी फ्रॉम मी, इसको कॉर्पोरेटाइज कर दो, इसको नानी की घर की छत टॉप पोर्शन से बाहर निकालो, अच्छे दफ्तर में जाओ, इसको ग्रो करो, ग्रोथ कैपिटल लो, फिर लिस्ट करो। कुछ जीरो इंटरेस्ट, नहीं आप लोग आ जाएंगे सेठ, आप हमारा ये कर। मैंने कहा यार भाई मैं तो चलाना ही नहीं चाहता। मेरा तो कॉन्सेप्ट ही है कि एंटरप्रेन्योर पीपल लाइक माई सेल्फ शुड इन्वेस्ट इन पीपल दैट आर बेटर देन अस, दैट वर्क हार्डर देन अस, दैट आर स्मार्टर देन अस, दैट आर मोर ड्रिवन देन अस, राइट। दैट इज व्हाट्स गोइंग टू, दे कैन ग्रो आवर कैपिटल फास्टर देन वी कैन ग्रो आवर कैपिटल। सो मैंने मेपल लीफ कैपिटल क्यों लगाई थी, मैंने मेपल लीफ कैपिटल इसलिए लगाई थी बिकॉज मैं समझता था कि लोगों की ग्रोथ पर मैं पिगी बैक करना चाहता हूँ। मैं हर काम खुद नहीं कर सकता, कुछ लोग मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, तो व्हाई शुड आई नॉट इन्वेस्ट इन देयर बिजनेसेस। एंड इट्स बीन अ ग्रेट राइड फॉर मी। बट कमिंग टू ये जो आपने बात की है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं पूछता था उनसे, यार मैं तुम $1 million का प्रॉफिट करते हो तो क्या करते हो पैसे से? कि जी मैं DHM प्लॉट ले लेता। मैंने कहा उन प्लॉटों का क्या करते हो? जी मैंने 30 lakh का प्लॉट लिया था, वो 4 crore का हो गया, मैंने इतने का प्लॉट। तो आई सेड ओके यार मैं इसका, सो I agree with you. I think it's not good for the economy. And it's not good. It's not good for the economy. It's not good for how for home builders. Because देखिए ना, जिन लोगों ने actually plot लेके घर बनाने हैं, उन बेचारों के साथ ये speculation के साथ क्या होता है ना? Speculation takes the prices.